मॉर्निंग एवरीवन, और फिर से एक बार मैं आपके सामने आ चुका हूँ नया ब्लॉग लेके। और ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कॉलेज से बाहर एक जा रहे हैं विजिट पर, अमर उजाला की विजिट पर। उससे पहले हमारे पास टाइम था, तो ये जो लड़की है ना, इसका असाइनमेंट मैं यहाँ मेट्रो स्टेशन 59 के बाहर बैठ के कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप कितना सारा मैंने इसकी फोटो चिपकाई है। फोटो अच्छी है काफ़ी, आपको मैं दिखाता हूँ। यार ये मारती बहुत है यार इसको, यार मेरे को यार बहुत मारती है ये। एक ब्लॉग में नहीं ये पूछेंगे लड़की से बता। तो ये मैंने इसकी पूरी फाइल अभी तैयार की, आधी अभी और करनी है। तो हम लोगों को अमर उजाला में आज बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अभी इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे। हेलो गाइस, और ये सभी ये जो सब थे ना, ये हमारे साथ ही आए थे। कहाँ पे थे? मेट्रो स्टेशन 59 से पैदल आए हुए हैं यहाँ तन शगुन। गाइस इनकी सुन लो, ये क्या कहने वाली है शगुन? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़े फेक ब्लॉगर हैं। देखिए मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छा ब्लॉग करते हैं ये। अमर उजाला में आए। यस, दिस इज अमर उजाला प्रिंटिंग प्रेस। और यहाँ पर अभी हम लोग आज अंदर जाने वाले हैं क्योंकि हमारे यहाँ और भी बच्चे आ रहे हैं लगातार। गुड मॉर्निंग सर। सर भी हमारे ब्लॉग में आ चुके हैं। नाइस। और ये अनदर ब्लॉगर जो हमारे पास है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। लिफ्ट में देखो कितने सारे लोग हैं। मैं बंद कर रहा था, हमें डर लग रहा था। अभी ये क्या हुआ? ये ओवरलोड की वजह से ले नहीं रही, कोई बाहर जाएगा। हेलो एवरीवन, क्या कर रहे? ये इम्पोर्टेंट है, आप सबका चेहरा आना चाहिए ना कि कौन कौन आया था। तुम्हारा आ रहा है चेहरा, पर तुम अगली बार में बात दूसरी बोलूंगा। श्रिया इज वेरी एक्साइटेड, वो देखो डिब्बे बदल रही है जिसको कौन सा मिला है वजन के हिसाब से ना। यहाँ सबको रिफ्रेशमेंट मिल चुका है एंड क्वेश्चन आंसर का सेशन होने के बाद अब सबको रिफ्रेशमेंट मिला हुआ है। रिफ्रेशमेंट मिला ना? अच्छा खोल के भी देख लिया भाई, दिखाओ क्या है। एक बार दिखा दिखा क्या है। पानी है, एक चीज और तेरे में, तेरे में डायमंड की है, इसके में हल्दीराम की है। कंपैरिजन कर रहे हैं। एक बार फिर लगा के देखा। ये यूनिकॉर्न बन गया भाई। हाँ ये ईवा, ईवा आपके बॉक्स में क्या मिला, कौन सी कंपनी की है? नहीं कौन सी ब्रांड की आपकी में नमकीन है? रुक जाओ, हाँ दिखाओ कौन सी, हल्दीराम दिखाओ। अच्छा ये डायमंड का, इनमें ना मेरे में क्या है? तेरे में डायमंड का है। ये अलग अलग क्यों दे रहे हैं? हम ऐसे नहीं खाएंगे यार, हमको एक चाहिए। अच्छा जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत ही जल्दी 1000 होने वाला है और उसका सेलिब्रेशन भी होने वाला है कॉलेज में। तो पैसे आएंगे भैया के पास? मोनेटाइज तो मेरा हुई, मतलब आप जैसे ही 1000 कर देंगे मेरा 7000 के ऊपर वॉच टाइम पहुंच चुका है यूट्यूब पे। उसके बाद 1000 के बाद और ये टारगेट होने के बाद मोनेटाइज चालू एंड देन पेमेंट। ये इतना अब देखना भाई, इससे धुआं भी निकलने वाला। ओ भाई साहब, ये क्रीम रोल से धुआं निकल रहा है। किसको मिला बड़ा पैकेट? ई रुक जाओ, रुक दीक्षा दीक्षा अपना बड़ा पैकेट दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये बेमानी हो रही है।
अब वो छोटी बच्ची उसको बड़ा दे दिया। इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है यार? नहीं नहीं हाँ आई नो ओके गाइस आप देख सकते हैं देव देव जो है वो बैग में कितने भर लिए तूने? ज्यादा नहीं है, दो चार। एक रोल का इसको आज इतना अच्छा लग गया रोल की खाती जा रही है। स्पाइसी है ना, मैंने बोला था स्पाइसी है। मेरे तो नाक भी आ गई। आपके आपके पेटीज में आलू मिल गया था ना आपको? मेरे पेटीज में दिखाओ ये तो वो वाला ऐड हो गया मेरे कोलगेट में। मेरे टूथपेस्ट में नमक है। गाइस अभी निखिल गुप्ता रोस्ट हो गए थे देवमली वर्मा के थ्रू। कैसे? निखिल गुप्ता कह रहे थे मैं हंस ही नहीं सकता, रोना निकल रहा है। बहुत बहुत हंस आ रहे हैं भाई। ट्रेन अरे भाई अखबार बढ़ रहे हैं, अब इनको खाना नहीं है। बाद में रखते हैं। तू रख के गई हो? ये तो पहले ही से रख के खा रही थी। देखो आज का ताज़ा अखबार हमारे पास आने वाला है और ये अखबार की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। इसने इतना खा लिया कि वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ रही है। ये लड़की ने जस्ट बोला कि मैंने पहली बार क्रीम रोल खाया है। लिटरली हम पंजाबी वाले लोग ना ये महंगे होते हैं। अरे हाँ भाई बट ये कभी कभी 5-10 रुपए का ये क्रीम रोल भी खाया करो यार। हाँ, स्वाद है ना इसमें। इतना बंदा होता है पुराने दिन याद करो, ऐसे डब्बे लेके अंदर घूमते। अरे हाँ जब मैं दोनों साल ऐसे डब्बे लेके घूमते अंदर क्रीम रोल निकाल के। यार मैं रोज खाता हूँ, मैं रोज। हाँ उसमें चेरी भी लग रही थी। बहुत प्यार, बहुत प्यार आया। श्रिया को देखो गाइस, श्रिया पैक कर रही है। बचा हुआ खाना है, खाने को फेंकना नहीं चाहिए। वेरी गुड, खाऊंगी तो किसी को तो खिलाऊंगी। एग्जैक्टली मेरा है चोट। अरे वो पड़ा, दे थोड़ा सा फाड़ के, थोड़ा सा फाड़ के। अरे ये पड़ा हुआ है भाई, आओ जल्दी सभी लोग। अब हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर। फाइनली हमने क्वेश्चनेयर वाला सेशन खत्म कर लिया, रिफ्रेशमेंट भी हो गया। हाँ यही है लिफ्ट, ये क्वेश्चनर वाला सिलसिला भी खत्म हो चुका है। और अब हम लोग जा रहे हैं क्या देखने जा रहे हैं? प्रिंटिंग प्रेस, जो विजिट मतलब वो फाइनली मतलब जो पेपर प्रिंट होता है वो कैसे क्या होता है वो सारी चीज़ें देखने अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। सारी मशीन्स लगी हुई होंगी और ये फाइनली लिफ्ट में तो आ ही चुके हैं। थर्ड नंबर दबा दीजिए भाई, दबा दिया। और अब ऊपर चलेंगे। ये फोटो सेशन चल रहा है। ये कौन सा सेक्शन है? एडिटोरियल का, तो न्यूज़पेपर बनता है, एडिटिंग वगैरह। ओके फाइन सर, शुक्रिया। मैंने काफ़ी वीडियो बनाई। थैंक यू। सारे जो हमारे रिपोर्टर्स, कैमरामैन और एडिटर्स जो भी होते हैं, संपादक होते हैं, सारे मिनिमम सैलरी कितनी होती है एक जर्नलिस्ट? अरे यार। और सर अगर हम इंटर्नशिप इंटर्नशिप का क्या मैटर है, आप किस फील्ड में जाओगे ना, कैमरामैन की कितनी? रुक जा भाई, बोल लेने दे उनको। क्या ऊपर एक क्रोमा स्टूडियो भी था? तो इसमें क्रोमा स्टूडियो का क्या रोल रहेगा? मतलब यहाँ पे तो वैसे प्रिंटिंग है, तो क्रोमा का वहाँ हमारा डिजिटल है ना। हाँ, डिजिटल से ही हुआ। दिस इज द प्रिंटिंग प्रेस। ये क्या चीज़ है? ये जो पीछे आप सब देख रहे हैं बंडल्स के अंदर सारा, ये है प्लेट्स। ये जो बैंगनी हरे बैंगनी कलर की जो भी बताई थी उसमें वीडियो में, वो प्लेट्स है, वो सारी प्लेट्स ये हैं, ठीक है। अलग अलग साइजेस की, अलग अलग मशीन की, अलग अलग साइज की प्लेट्स होती है कट ऑफ के हिसाब से। कट ऑफ मतलब आपका जो पेपर का साइज है इतना, जैसे इसमें आप देख रहे हो ये 533 mm का साइज है पूरा पेपर, ये जो साइज है। ओके, ये 533 mm है। 533 mm के हिसाब से अलग प्लेट होगी, 546 की अलग होगी, 578 की अलग होगी, इस तरीके से अलग अलग साइज की सारी प्लेट्स हैं। इसी पे हम प्रिंट आउट निकालते हैं। ये सीधी सी बात है, ये A4 साइज का पेपर है आपके घर के प्रिंटर के हिसाब से। अगर देखो ये सब घर के आपके प्रिंटर हो गए, बस इसमें क्या, उसमें A4 साइज में निकालते हैं, इसमें हम प्लेट पर निकालते हैं, ठीक है।
ये दोनों ऑटोमेटिक प्लेट सीटीपी है और ये मैनुअल है। इसमें आपको एक एक प्लेट खुद डालनी पड़ती है। इसमें आप स्टैक ऑफ 50 प्लेट्स एक साथ डाल सकते हो। अपने आप पिक करेगा, अपने आप ले जाएगा, अपने आप प्रिंट आउट निकालेगा, पीछे निकाल देगा प्लेट को, ठीक है। ये सबका एक ही फॉर्मूला है। एक 1024 पिक्सल पे है और दूसरे कितने पिक्सल पे है? 2400, ठीक है। 2400 पिक्सल मतलब डीपीआई की बात करो, डॉट पर इंच। ऑब्वियसली ज्यादा डॉट होंगे तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी होगी, कम डॉट होंगे तो कम। डिपेंड करता है कि हम कैसा जॉब प्रिंट कर रहे हैं, कैसा न्यूज पेपर प्रिंट कर रहे हैं, कैसा एड प्रिंट कर रहे हैं, कौन सी मैगजीन प्रिंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम किस तरीके के प्लेट चाहिए उस तरीके के निकालेंगे। यहाँ पे ये प्री प्रेस हमारा सॉफ्टवेयर है। ऊपर से हमारा पीडीएफ फाइल कोई भी आएगी, जैसे आप लोग घर में बनाते हैं पीडीएफ फाइल, इंटरनेट के थ्रू उन्होंने हमारा टाइप करके दे दिया, ये पीडीएफ फाइल बना दी। पीडीएफ फाइल का एक पेज उन्होंने यहाँ छोड़ दिया हमें। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्री प्रेस के सॉफ्टवेयर से उसको डी फ्रेगमेंट करते हैं 4 कलर्स में, सी एम वाई के। हम आपको भी दिखा देते हैं कि सी एम वाई के, जैसे ये नॉर्मल एड है उसको दिखा देते हैं। इसको जब हम चार प्लेटों में निकालेंगे तो सियान की भी वैसी दिखेगी आपको, यहाँ से निकलते हुए मैजेंटा, येलो, ब्लैक, यहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। बस प्रिंटिंग में जो पार्ट होगा वो अलग अलग होगा। जैसे ये हो गया आपका सियान का, ठीक है। सियान का कलर ऐसा होगा, कलर नहीं होगा, प्लेट का शेड ऐसा होगा, होगा सब कुछ ब्लू ही, क्योंकि यहाँ पे कोटिंग ही आपकी ब्लू होगी। लेकिन ये जो प्रिंटेड पार्ट आता है ना, इसी पे हमारी इंक लगती है, और वो इंक जब पेपर पे लगेगी तो उतने ही पोर्शन में इंक आएगी। okay. तो इस तरीके के आपके अलग अलग सी एम वाई के अलग अलग होंगे, ठीक है। एक प्लेट डाल दो, वो वहाँ पे प्लेट निकलेगी आपकी, ये प्लेट अपने आप पिक होगी, अंदर जाएगी तो वो निकलेगी आपको देखना। डरना नहीं कोई, ऐसा लगेगा निकलेगा, कुकर की सीटी गई है, मतलब पक्के निकलेगा। गैस बंद कर दो, ले जाएंगे तीसरी सीटी है। अभी आगे निकलेगा ना उस साइड, अभी तो बेकार है, अभी मैजिक तो आपको दिखाएंगे ना। हटो जरा, थोड़ा स्पेस दो मेरे को। अभी इसमें क्या है, राइटिंग का काम हुआ है, ठीक है। है कुछ इस पे? इसमें सब कुछ है, जादू। अब इसके बाद ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर इसको धुलेगा। अच्छा। वॉशिंग पाउडर निर्मा, ठीक है, जो केमिकल्स रखे हुए थे वहाँ पे, इसमें केमिकल्स हैं, इसको क्लीन करेगा। शोर ज्यादा करते हैं, बात नहीं करते हैं। अरे आवाज कमजोर आती है, पड़ जाती है। कल फिर आ रहे हैं, 10 मिनट और रुकिए, 10 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा, सुनो 10 मिनट और रुकिए। फाइनल प्रिंटिंग प्रेस जो फैक्ट्री, मतलब जहाँ पे ये देखो इतने बड़े बड़े रोल रखे हैं, ये चाइना और इंडिया दोनों अलग अलग जगह से इम्पोर्टेड हैं। ये पेपर है, और साम अभी बताते रहना कि क्या क्या है ये। और ये बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हैं। कितना बताया था सबने, एक घंटे में कितना कॉपी? 45,000 कॉपी जो है यहाँ पे एक घंटे में प्रिंट हो जाता है। नहीं नहीं, एक रोल लगाते लगातार 45 शीट्स ऐसी न्यूज़पेपर की तैयार हो जाती है इस रोल पे। हाँ, अभी जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, नीचे चार गोले होते हैं सी एम वाई के, वो कलर भी उन्हीं कलर से हमारा ये पेपर प्रिंट होता है न्यूज़पेपर। फाइनली अभी यहाँ पर सर समझा रहे हैं क्या है। प्लेटें जो वहाँ से निकलती हैं पीछे की साइड में जाके पंच होती हैं और बेंड होती हैं। पंच इसलिए कौन सी जगह पे सेट होगा, हर जगह नॉजल्स होते हैं, कहाँ पे फंसनी है प्लेट को, वो इसके अंदर डिसाइडेड होते हैं, प्री डिसाइडेड होते हैं, हर एक का सेम होता है। चार स्टैक बोलते हैं इसे, स्टैक मतलब सियान का एक स्टैक हो गया, मैजेंटा का एक स्टैक हो गया, अलग अलग स्टैक करके इसी तरीके से चार स्टैक है। हर स्टैक में एक एक टावर से चार पेज प्रिंट होते हैं। आपका कोई भी पेपर होगा, ये जो पेपर है पूरा, ये पूरा एक टावर जैसे निकल के जा रहा है, दो पेज इधर प्रिंट हो गए, येलो वाला पेपर फिर उससे सियान फिर ऊपर जा रहा है, नीचे से एक पेपर ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी दिखाओ, ये ऐसे ऊपर जाएगा, नीचे पहले इसके ऊपर सियान कलर लग जाएगा, ऊपर जाएगा उसके ऊपर, उसी के ऊपर मैजेंटा लगेगा, सिमिलरली येलो, और फिर ऊपर ब्लैक लग जाएगा, दोनों साइड में दो पेज इधर हो गए, दो पेज इधर हो गए। वहां से पूरा घूमता हुआ पेपर फोल्डर में आएगा, पेपर ऐसे ही आ रहा है सीधा, यहाँ पे ये फर्स्ट फोल्डिंग होगी इस तरीके से, ऐसे फोल्डिंग होगी, वो नीचे आएगा, नीचे भी सेकंड फोल्डिंग होगी ऐसे, और उसके बाद यहीं पे अंदर ही कटिंग हो जाएगी।
यहाँ पे कटोगे यहाँ पे आपको कटा हुआ पेपर ही निकलेगा पूरा का पूरा, यहाँ से कन्वेयर पिक करेगा और वहाँ जाके आपका डिस्पेंसरी में छोड़ देगा। आप मतलब अगर हमारा 14 प्लस 4 है क्योंकि ऐसे तो ये 4 के मल्टीपल ही प्रिंट होते हैं, इवन पेपर ही प्रिंट होगा, ऑड नंबर ऑफ पेपर्स कभी प्रिंट ही नहीं होंगे। ठीक है, ये हाफ प्लेट लगी है, मतलब हमारा कल का जो पेपर है वो 14 प्लस 4 है, 18 पेजेस प्रिंट हुए, 18 मतलब 4 टावर में 16 पेजेस प्रिंट हुए होंगे और एक में दो, इधर हाफ शीट लगाई होगी हमने, आधी उधर से निकलेगी आधी उधर से। ठीक है, ये है हमारा प्लेट प्रिंटर, वहां से प्लेट निकली, मैंने आपको दिखाया ना ये ब्लू नहीं है, ये सोनारा प्लेट है, मैंने वहाँ भी एक बार बताया था, बोला था आपने, सोनारा प्लेट जो होती है वो हम यूज करते हैं न्यूज पेपर प्रिंट करने के लिए, जो अभी प्लेट निकल रही है आप लोगों के सामने वो थर्मल प्लेट्स है, उस पर ब्लू कलर की प्रिंटिंग निकल के आती है और उसे हम बेकिंग मशीन में डालते हैं हीट होने के लिए, वो हीट इसलिए होती है कि वो ज्यादा, जैसे बोले थे 1 लाख पेजेस प्रिंट हो जाते हैं, वो 2 लाख भी करेंगे, वो एक्स्ट्रा उसकी लेक वगैरह करना पड़ता है। ये हमारा प्लेट, इसके बाद अंदर लगा होता ब्लैंकेट, ब्लैंकेट जो हम घरों में बोलते हैं ब्लैंकेट समझ गए, वो होता है सॉफ्ट, अगर हम इससे डायरेक्टली पेपर में प्रिंट करेंगे तो पेपर फाड़ देगा, ये पेपर तो पेपर है, पेपर की तरह यूज होगा, ये प्रिंट करेगा आपका ब्लैंकेट के ऊपर और ब्लैंकेट जो प्रिंट करेगा वो आपके पेपर के ऊपर, इसकी लेटरल इमेज बनेगी आपकी ब्लैंकेट के ऊपर और फिर ब्लैंकेट की लेटरल इमेज बनेगी आपकी पेपर के ऊपर, डबल लेटरल हुआ तो वो ऑफिस सीधी हो गई इमेज। ठीक है, इस तरीके से काम होता है, ऐसे ये मैजेंटा का दिखा रहा हूँ मैं, सिमिलरली सियान का बना हुआ है, ऊपर येलो का और ऊपर ब्लैक का। ठीक है, इसी तरीके से आपको ब्लैंकेट दिखा देते हैं, ये जो ब्लू वाला पार्ट है दोनों तरफ, ये है ब्लैंकेट, आप लोग देख सकते हो साइड से, ओढ़ ले ब्लू सिलेंडर सामने दिख रहा है जो मिड में है, बीच में, अब इन दोनों के बीच से पेपर जाता है, इंप्रेशन अभी लगा हुआ नहीं है, जब ये लगेगा तो ये नॉर्मली घर में जैसे स्टैंप लगाते हैं हम लोग, हाँ उस तरीके की ये स्टैंप मारता हुआ चलता है पेपर, ये रोल होता जाएगा, पेपर इसके साथ ऊपर जाएगा और प्रिंट होता चला जाएगा, पेपर फटता तो है यार, यहाँ नहीं फटेगा कहीं और फटेगा, और फटता है ऐसे नहीं फटता, लेकिन पेपर खराब हुआ तो फटेगा, ऊपर से इंक आ रही है, पूरी की पूरी इंक लग जाएगी, पूरे पेपर में सारे इंक जानी चाहिए, तो लिखा हुआ पार्ट के हिसाब से आता है, तो जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ जो प्रिंटेड पार्ट था, उस प्रिंटेड पार्ट में ये इंक लगती है, वैसे तो ये इंक पूरे ही प्लेट में लगती है, लेकिन यहाँ से इंक आती है और ये नीचे पानी का डक्ट होता है, यहाँ से पानी जाता है ब्रश के थ्रू और रोलर के थ्रू यहाँ पे, जैसे वहाँ पे वॉश होता है तो सारा पार्ट धुल जाता है, केवल लिखा हुआ पार्ट रहता है, वैसे यहाँ भी वही केमिकल यूज होता है, जितने में इंक लगी है पूरे में इंक लगी है वो इंक सिर्फ उसी जगह स्टिक करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटेड पार्ट है, बाकी जगह यहाँ से इंक धुल जाते हैं, तो केवल लिखे हुए पार्ट में आपको इंक मिलेगी और वही इंक आगे प्रोसेस होती है, बाकी पार्ट यहाँ पे वॉश हो जाता है, उस तरीके से प्रिंटिंग होती है, नीचे पानी ऊपर से इंक आ रही है, सेम फीचर सारी मशीनों का है, बस सबकी स्पीड अलग है, सबकी प्रिंटिंग क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, वो सबसे महंगी मशीन है, सबसे उधर वाली वो 25 करोड़ की मशीन है, उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी सबसे अच्छी है, उसके बाद ये है, उसके बाद वो है, स्पीड भी मैटर करती है, 45,000 प्रिंट करती है 1 आवर में, वो 36,000 करती है, तो इस तरीके से फोल्डिंग बीच वाला जो होता है वो फोल्डर बोलते हैं, और बीच में फोल्डिंग दिख रही है, इस फोल्डर की वजह से एक बार हाफ होता है, उसके बाद नीचे हाफ होता है, यहीं पे नाइफ लगा हुआ है, यहीं पे कटिंग होती है, एक टावर मतलब 4 पेजेस, 6 टावर मतलब 24 पेजेस का अखबार एक बार में छपता है यहाँ पे, और बीच में एक मोनो लगी है, तो आप अगर केवल ब्लैक एंड व्हाइट पेपर होगा एक 4 कलर का तो भी प्रिंट करके आप, ये वाला मोनो है, मोनो है केवल, एक स्टैक दिख रहा होगा यहाँ पे, ऊपर कुछ नहीं है, खाली है, केवल ब्लैक है, तो अगर आपको 28 पेजेस प्रिंट करना है तो 28 पेजेस भी प्रिंट हो जाते हैं, अगर ब्लैक है इंटरनल, ये सबसे अंदर का पेपर होगा, कई बार विदाउट एड होता है तो हम उसको खाली ब्लैक निकाल देते हैं, तो उसके लिए है ये एमरजेंसी पर्पज के लिए, बेसिकली 24 और अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है कलरफुल तो डबल प्रिंट करते हैं। ठीक है, सारे टावर हमारे 6 के ही है, 24 पेजेस मैक्सिमम प्रिंट होता है हम यहाँ पेपर प्रिंट करते हैं, यहीं पे फोल्डिंग यहीं पे कटिंग, ये हमारा कंसोल है, इसको हम कंसोल बोलते हैं, कंसोल मतलब कंट्रोल, ठीक है, हाँ गेम बहुत खेल रहा है आपको, ये कंट्रोलर हो गया, बगल में वो वाला है वो कैमरे का डिस्प्ले लगा हुआ है, कैमरा मतलब क्या, मैंने भी किसी को डॉट्स भी दिखाए थे पेपर के अंदर, हाँ 24 क्या है, एक टावर में 2 कैमरे लगे, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, वो उस डॉट को कैप्चर करते हैं, उस डॉट में सबका एक फिक्स डिस्टेंस है,
जैसे वहाँ पे आपने देखा होगा 7-8 प्लॉट बने हैं, 1 mm का डिस्टेंस सबका फिक्स है, वो 1 mm ही होना चाहिए, किसी भी एंगल से आप देखोगे 1 mm ही रहेगा। अगर वो हिलता है तो कैमरे काम है कि उसने बता देना है कि कैमरा हिला हुआ है, पोजिशन हिली हुई है, कलर आ मिला, तो हमारे जो मोटर्स को वहाँ से सिग्नल देता है वो मोटर्स मूव करती है। एक कैमरा 2.5 लाख का, एक कैमरे में एक टावर में 2 कैमरे और एक कट ऑफ में कैमरा, 7.5 लाख का एक टावर में कैमरा लगा हुआ है, इससे आपसे 6 टावर हो गए। कॉस्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट था लास्ट टाइम के बच्चों ने, सर कॉस्टिंग की बात की अभी भी है, ठीक है। एक कंट्रोलर यही काम करता है, आपकी क्वालिटी इंप्रूव करने का काम करता है पेपर, ठीक है। ये हो गया आपका मशीन का पार्ट खत्म, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। इसको ये फरीदाबाद में मशीन है आपकी TPS के नाम से, द प्रिंटर हाउस, ये ओरिएंट की है। ये दोनों मशीनें मशीन है आपकी कोल्हापुर में है, प्लांट असेंबल करती है, मैन्युफैक्चर करती है। मुझे तो हम यहाँ भी सेम प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, 3-4 फ्रंट हम बना के देते हैं, पर ऑब्वियसली जो पीछे जाएगा उसका रेट कम होता चला जाता है, ये खास बात है। और ये कमाना है तो भाई बोली तो लगवानी पड़ेगी सीधी सी बात, नहीं लगती है, आप आओ हमारे पास 5-8 लेके हम बोलेंगे। और ये जो लगाए ना ये काउंटिंग के लिए लगाए थे, पीछे वो छोटा सा लगाया ना पिन टाइप, वो जो छोटा सा लगाया देखो, जो ऐसे मशीन ऐसे नीचे, हाँ हाँ वो काउंटिंग के लिए लगाया था, 50 का इकट्ठा स्टॉक बनाना है इनको, हाँ फिर से डिवाइड कर देती है। और यहाँ पे कितने पास तरीके से देखो वो पेपर आ रहे हैं, यहाँ से आएंगे ये फोल्ड होके आ रहे हैं और ऊपर यहाँ पे कुछ आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं भाई, आज पास आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ से फोल्ड होना शुरू हो रहा है और यहाँ पे आके ये ऐसे आ रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने कॉलेज वापस और ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आपको पता देख के ब्लॉग लगा ही होगा कितना प्रोडक्टिव, कितना नॉलेजेबल ब्लॉग था। निखिल गुप्ता के ब्लॉग ऐसे ही होने वाले हैं लगातार, और आप हमारे साथ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार देखते रहिए ऐसे ब्लॉग, क्योंकि ये जो ब्लॉगिंग है वो एक अलग लेवल का मेरा ब्लॉगिंग है, आपको इस ब्लॉग को देख के समझ आ ही गया होगा। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सून वी हिट द 1K, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।